रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास टेंथ, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर वन, और टॉपिक हमारा है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर वन की, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं एक्सरसाइज वाले, वो आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, उनको आपने करना है, ठीक है। और ग्लोसरी है और बाकी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अभी हमने ग्लोसरी करना है, ठीक है। इंसेस्टर का मतलब है बेटा अबाव अजदाद, यानी कि डिस्टेंट रिलेशन सम बॉडी इन डिसेंडेड फ्रॉम, यानी कि दूर दराज का किसी शख्स के साथ रिलेशन जैसे होता है ना, अबाव अजदाद। तो इसके लिए आप सिनोनिम एग्जैक्ट लिख सकते हैं फोर फादर। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है मुफलिस, यानी कि नीडी, पेनीलेस भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। हैव विद नो मनी आर पोजेशंस। इक्विटेबल का मतलब है मुनसफाना फेयर, या जस्ट भी हम लिख सकते हैं, JUST। फिर्म का मतलब बेटा पुख्ता, डेफिनेट, परसिस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं, ओके। फो का मतलब एनिमी, दुश्मन। इंटरसीड यानी कि सिफारिश, टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबडी, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है इंपॉर्टेंस, इफेक्ट ऑफ मकरूज, यानी कि हैव टू गिव समबडी अमाउंट ऑफ मनी। रिवेंज का मतलब है बदला, रिटेलिएशन, ठीक है। यानी कि कोई हर्ट करता है आपको, तो आप फिर उसको पनिश के तौर पर देने के लिए आप क्या करते हैं, रिटेलिएट करते हैं। सीक का मतलब टू गेट, यानी कि हासिल करना। ये ग्लोसरी आपने करनी है, ये आगे है जी। वोकैबुलरी, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज इन द लेसन, यानी कि मॉडल। मॉडल मीन नमूना, यानी कि एग्जाम्पलरी। पाइटी मीन तकवा, पाकिजगी, होलीनेस भी कहते हैं इसको हम, डिवोशन भी कह सकते हैं, ओके। इटर्नल का मतलब है अबदी, एवर लास्टिंग, यानी कि हमेशा। अर्न मीन अटेंड, हासिल की। सरमन का मतलब है ड्रेस, कुतवा, स्पीच। रिवेंज बदला हुई, रिटेलिएशन। कमांडमेंट का मतलब बेटा ऑर्डर, यानी कि हुक्म। अपहेल्ड, मेंटेन, बरकरार रहा। डेस्टिट्यूट, नीडी, यानी कि मुफलिस, ज़रूरतमंद, पेनीलेस। प्रोक्लेम, डिक्लेयर्ड। ट्रांसेंड्स का मतलब है बूर कर जाना, क्रॉस कर जाना, यानी कि एक्सल्स या सरपास। ये बेटा जो हमने ये ग्लोसरी वर्ड्स किए हैं और ये वोकैबुलरी वाले मीनिंग किए, ये भी सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स, और ये एमसीक्यूज में भी हम सिनोनिम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें 5 नंबर के ये आते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। तो ये ग्रामर वाले पोर्शन का हिस्सा है, ठीक है। सेकेंड है, चूज अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉलोइंग। इक्विटेबल, इक्विटेबल का अभी यहाँ हमने किया, इसका क्या लिखा है जी, फेयर। तो जस्ट भी साथ, यानी कि फेयर जस्ट, ये दोनों ऑप्शन के तौर पर ठीक है, इक्वल ये ठीक नहीं है। सेकेंड है इंसेस्टर, इंसेस्टर भी हमने किया, यानी कि दूर दराज का वो रिश्ता जो होता है, अबाव अजदाद। अब एंटीसीडेंट का मतलब होता है सबका, अव्वल, पहले वाला। फोर फादर्स, अबाव अजदाद। प्रीडिसेसर होता है जानशीन, बाद में, यानी कि जानशीन। कौन सा ऑप्शन ठीक था जी, जी उसको बेहतर बेटा थर्ड पे फो, ये एमसीक्यूज है। फो दुश्मन, रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है, रिश्तेदार। एनिमी दुश्मन, फ्रेंड दोस्त, एनिमी। फिर्म एक्सपेंसिव होता है महंगा, पावरफुल, ताकतवर। परसिस्टेंट यानी कि डटे रहना, पुख्ता, साबित कदम, यानी कि तो सही ऑप्शन ठीक है। ग्लोरियस मीन शानदार। लस्ट्रस होता है चमकीला, रोशन। स्प्लेंडेड होता है शानदार। फैबुलस होता है मनगढ़ंत, फर्जी। तो कौन सा ठीक है बेटा, ग्लोरियस का स्प्लेंडेड बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको स्किप कर देना है, इसको आपने आ जाना है। ये क्वेश्चन आंसर ये आपको पीडीएफ फाइल में मिलने हैं, इसका आंसर आपने करना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है। उसके बाद है बेटा ग्रामर वाला पोर्शन कौन सा बेटा, कंक्रीट नाउन है जी। क्या बेटा, कंक्रीट यानी कि ठोस चीज़ें जो वजूद रखते हैं। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। अब देखें, कंक्रीट यानी कि वैसे तो इस कायनात में मौजूद हर चीज़ जो वजूद रहती है, वो वजूद रखती है, वो जिंदा है या मुर्दा, वो नाउन है, ठीक है। कंक्रीट जो ठोस वजूद, यानी कि पेंसिल है, ठीक है। अब द रिवेंज बदला ऑफ द फादर, बाप का, कैन नॉट बी टेकन, यानी कि बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। अब फादर को अंडरलाइन किया उन्होंने और सन को भी। अब लिखा है द अंडरलाइंड वर्ड्स आर कंक्रीट आर मटेरियल नाउन्स एज दे रेफर टू कंक्रीट थिंग्स, यानी कि ये कंक्रीट थिंग्स को रेफर करते हैं, इसलिए ये क्या है बेटा, मटेरियल नाउन्स हैं या कंक्रीट नाउन है, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन कौन से जी, इसमें मुजरद जिसे हम कहते हैं, यानी कि जिनको हम, ऐसी चीज़ें जिनको हम
देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ही डिसाइडेड देयर केसेस विद इक्विटी एंड जस्टिस। अब इक्विटी जस्टिस को हम देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट। द अंडरलाइन, अब इसमें अंडरलाइन इक्विटी और जस्टिस है। द अंडरलाइन वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउंस एज दे रेफर टू आइडियाज। ये आइडियाज होते हैं, ये क्वालिटीज हैं, या ये कोई हालत यानी कि कंडीशन या स्टेट्स होता है। अब एक्सरसाइज इसको हमने करना है, आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। अब हमने बताना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है और कंक्रीट कौन सा है। ओके, फर्स्ट वन है बेटा, फर्स्ट वन यहाँ पे मिस है मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड है द रिकमेंडेड हिम फॉर जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। अब जस्टिस देख सकते हो, जस्टिस को नहीं, एब्स्ट्रैक्ट ना होना है, ट्रूथफुलनेस चाहिए भी एब्स्ट्रैक्ट। कीप द बाल्स, अब गेंदे जो है इन द बास्केट, बास्केट भी ठोस वजूद रखती है, गेंदे भी रखती हैं, तो ये कौन सा बेटा, कंक्रीट। कंक्रीट के ऊपर सी और जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके ऊपर ए लिखना है आपने, ठीक है, ए और सी। ट्रेडर, ताजर जो है, ताजर, कंक्रीट है सी। ट्रस्ट ए है, एब्स्ट्रैक्ट है। कस्टमर्स, गाहक जो है, सी कंक्रीट है। केयर क्या बेटा, कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है। पेट कंक्रीट है, पेट पालतू, ठीक है। ये हमारे एमसीक्यू से, ये ग्रामर वाले पोर्शन में पांच नंबर का आता है, उसमें ग्रामर के हवाले से पूछते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होते हैं ऑलमोस्ट। अब जी, चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल यहाँ में हमने सेलेक्ट करना है, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल और एन डेफिनेट कौन सा, द। यहाँ हमने अब सेलेक्ट करना है जी, ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, क्या आएगा बेटा, डेफिनेट आर्टिकल के इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल। ही आस्क्ड मी अ वेरी, कि उसने मुझसे एक बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया या पूछा। अब देखें, अब यहाँ पे डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी, यानी कि उस सवाल की बात हो रही है जो जिसकी पहले बात हो चुकी है, यानी कि उस स्पेसिफिक सवाल की जो उसने पूछा मुझसे, ठीक है। तो डेफिनेट जो खास पर्टिकुलर के साथ हम फिर लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द क्वेश्चन, यानी कि उस क्वेश्चन की बात हो रही है जिसका पहले जिक्र हो चुका, द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा, द, यहाँ पे आ, यहाँ पे द। हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, यहाँ पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल। Could you please pass me dash salt, the salt, उस नमक की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे द। इज देयर डैश, क्या कह बेटा, हाँ, इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट, कि यहाँ इर्द गिर्द कोई एक अच्छा होटल है। अब जैसे था ना, यहाँ पे एक सवाल, यहाँ पे अगेन दोबारा द हमने लगाया था उस सवाल की बात, यहाँ पे उसी रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट, वही रेस्टोरेंट की बात हो रही है, दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड, जो यानी मेरे दोस्त का है वो बहुत अच्छा है, द आएगा। आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल यहाँ पे। नेक्स्ट है जी एट, डैश यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, द यूएई, द लगता है, ठीक है, यू से स्टार्ट होने वाले कंट्रीज के साथ। आई सी यू इन डैश इन अ वीक, इनडेफिनेट आर्टिकल। आई एम ऑन डैश वोकेशन, क्या बेटा लगेगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, आई एम ऑन वोकेशन अंटिल मंडे। ओके जी बेटा, यहाँ आगे है, ये भी ग्रामर का पोर्शन है, नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज की आपने डेफिनेशन करनी है। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, यहाँ पे आपने जस्ट नाउन की डेफिनेशन करनी है। और इसकी अगर इसकी जो एक्सरसाइज है इसको अभी छोड़ देना आपने, नेक्स्ट करना हमने जो डी वाला है। यहाँ पे दो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है, हमने उसके मुताबिक सिलेक्ट करना है यहाँ पे टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टीन्यूअस बेटा। अच्छा इसको पहले देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस वर्ब। व्हाट डैश यू डू व्हेन डैश यू लास्ट नाइट, बेटा लास्ट नाइट, अब ये इंग्लिश में पहचान है, पहले भी आपको पता है
कि उसमें हम सेकंड फॉर्म सेलेक्ट करते हैं और दूसरे से, अगर एक हिस्से में वर्क भी सेकंड फॉर्म है दूसरे में अगर काम जारी है तो हम पास्ट कंटीन्यूअस यानी कि वाज वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, अगर एक हिस्से में वाज वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म है दूसरे हिस्से में वर्क की सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं। ओके, अब है व्हाट डैश यू डू, अब ये सवालिया है, ये पार्ट भी सवालिया है, यानी कि व्हाट वर यू, व्हाट वर क्योंकि सवालिया है तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट वर यू वर्क के साथ फिर डू मेन है तो आई एन जी फॉर्म, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड, यहाँ पे सिर्फ कॉल के साथ ई डी लगाना है। ओके, सेकंड है आई सिट इन, आई डैश सिट इन द कैफे व्हेन यू डैश अगेन, ठीक है। ओके, यानी कि मैं आई वाज सिटिंग इन द, मैं कैफे में बैठा था जब आपने मुझे कॉल की, कॉल्ड यहाँ पे अगेन कॉल्ड, यहाँ पे आई वाज, आई के साथ वाज, यू के साथ वर लगता है। ओके, व्हेन यू डैश अराइव एट द बस स्टैंड हु डैश बी देयर, अगेन यहाँ पे देखिए समझ आ रही है बेटा, यानी कि व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड हु डैश, यानी कि वहाँ कौन था, दोनों पास्ट में है ना, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि जब आप वहाँ बस स्टैंड पर पहुँचे तो वहाँ कौन था, हु वाज, बी के सेकंड फॉर्म है वाज वर, हु के साथ वाज, हु वाज देयर, वहाँ कौन था, यानी कि जब आप बस स्टेशन स्टैंड पर पहुँचे तो वहाँ कौन था। अगेन नेक्स्ट, शमसा डैश वॉच अ फिल्म व्हेन शी डैश हियर द नॉइस, अब समझ आ रही है, यानी कि शमसा वाज वॉचिंग, शमसा अ फिल्म के एक मूवी देख रही थी, व्हेन शी डैश द नॉइस, जब उसने शोर सुना, हियर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म, सिर्फ इसके साथ डी को ऐड करना है। नेक्स्ट है जी, वी डैश प्ले टेनिस व्हेन जवेद डैश हर्ट, हर्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है बेटा, याद रखें। ओके, वी वर प्लेइंग, हम वी के साथ वर, वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जवेद हर्ट हिज एंकल, हम यानी कि टेनिस खेले जब उसका घुटना जो है ना वो जख्मी हुआ। ओके बेटा, ये आपने करना है, ये ग्रामर वाला पोर्शन हमने किया है, ठीक है, ये भी ग्रामर वाला पोर्शन किया हमने, ये भी ग्रामर वाला पोर्शन, और ये हमने पोर्शन किया सिनोनिम्स का, ये ग्राम ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, इसको आपने प्रिपेयर करना है, ये आज का हमारा लेक्चर था, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।